अनुराधा जी, देखिए हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, जो अनुराधा जी हमारे बीच में जो शिष्य गीत या कथक के द्वारा प्रस्तुत करेंगी, आपको हम बता दें कि अभी अभी ये अमेरिका में भी अपनी प्रस्तुति देकर आई हैं। एक बार जोरदार तालियां प्लीज़ इनके लिए। छत्तीसगढ़ जो फिल्म है उनकी, ये अगर मैं कहूँ कि हीरोइन है तो गलत नहीं होगा। सर हम लेके आते हैं। अरे नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज आप, हम लोग लेके आ रहे हैं। रेनू जी ऐसा करो, ऐसा करते हैं, एक मिनट रुकिए, दो उधर लगा देते, दो इधर लगा देते, बीच में खाली छोड़ दे। अरे नहीं मैम, ध्यान से आप आ जाइए, आराम से आ जाइए। जिनको ज्यादा दिक्कत है वो भले ही ना। नहीं नहीं अच्छा है, नहीं नहीं दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मैम को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर आप ऐसा करते हैं, फिर उद्बोधन के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बुलाते जाएंगे बार-बार। हाँ सही बात है, नीचे से अच्छा लगेगा। तो मैम फिर ऐसा करें, उद्बोधन के लिए एक एक को एक ही बुलाते जाएं, कि सभी लोगों को बुलाएं जिनका उद्बोधन हो, आप लोगों में से जो अतिथिगणों का, तो वहाँ पर। रेणु जी उद्बोधन के लिए फिर अपन एक जने को ही बुलाते जाएं, नहीं उद्बोधन के लिए नीचे से ऊपर ही बुलाते। बस वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, है ना। सर आप बैठिए प्लीज, इसको इतना रहने दो। गजाननम् भूत गणादि सेवितम् कपिथजम्बुफल चारु गाइए
वदन गज वदन विनायक सेठ सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक शेष मेरे भारत मेरे स्वदेश मेरे भारत मेरे स्वदेश तू राम कृष्ण की मातृभूमि सौमित्र भरत की ही मातृभूमि जीवन दात्री माव दात्रभूमि जीवन दात्री माव दात्रभूमि तुझको प्रणाम हे पुण्यवेश मेरे भारत मेरे स्वदेश क्या बात है अनुराधा जी की
इस तरीके से कितनी खूबसूरती प्रस्तुति के बाद वास्तव में किसी कवि ने जो लिखा है शायद ऐसे ही कलाकारों के लिए लिखा है कि आजकल शहरों में दाना पानी कौन रखता है, आजकल शहरों में पंछियों के लिए दाना पानी कौन रखता है, नए कमरे में पुरानी चीजें कौन रखता है। ये तो हमारे ये कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को थामे हुए हैं, वरना बुजुर्गों की निशानियों को सलीके से कौन रखता है, वरना बुजुर्गों की निशानियों को सलीके से कौन रखता है। वास्तव में अनुराधा जी ने जो गुलाब जी की जो रचना है उसको जीवंत कर दिया अपने खूबसूरत शास्त्रीय संगीत से। अनुराधा जी नहीं रहने, एक मिनट किरण जी रहने दीजिए। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। नवल सर मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी प्रस्तुति के पहले ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हो, तो वो मेरी आदत है, मेरे नेचर में है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्रस्तुति देने से पहले मैं बहुत ऊंची उड़ान भर लूं और मैं दूर आसमान में जाकर यदि पंख ना फैला पाऊँ तो ये गलत होगा। तो आप सभी के बीच में शांत रहकर अपनी ज़मीन को तलाश लूँ, अपनी एक जगह बना लूँ, उसके बाद मैं उड़ान भरूँ, तब तो कोई बात है। तो अब इस प्रस्तुति के बाद आपकी सबकी आँखों में जो स्नेह दिख रहा है, जो प्यार दिख रहा है और बड़ों का जो आशीर्वाद दिख रहा है, अब मैं भरपूर उड़ सकती हूँ, हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ, खिलखिला सकती हूँ। अब मैं उस जोन से बाहर आ गई हूँ जब मैं सबको वॉच कर रही थी और सोच रही थी कि मैं कब बोलूँगी। तो मैं नरेश जी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मंच मुझे दिया, और मैं क्षमा चाहूँगी कि आप सभी से मैंने निवेदन किया नीचे आने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी की अपनी एक गरिमा है, मंच के अतिथियों की अपनी गरिमा है, और आप पीछे बैठे रहें और मैं पीठ दिखाते हुए नृत्य करूँ ये तो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने निवेदन किया था। शोभा खंडेलवाल जी जब अमेरिका में थी तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा अनुराधा इस जो देशभक्ति गीत है महाकवि गुलाब खंडेलवाल जी की, और इसमें आपको नृत्य कथक के बोल करने हैं, पैरों का काम करना है। तो मैंने बहुत ध्यान से जब इस गीत को सुना तो मुझे कहीं कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई। मैंने शोभा जी को बोला भी था कि इस की जो बंदिश है, इसकी जो संरचना है वो ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ मैं बोल बंदिशें कर पाऊँ। फिर भी मैंने कोशिश की, आपकी बात को रखने का प्रयास किया मैंने कि मैं कुछ कर सकूं। और पूरा खंडेलवाल परिवार यहाँ पर है, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आपकी दोनों बहनों से मिलकर अभी मैं आ रही हूँ इंडियाना से, तो वो जो यादें हैं वो बहुत ताज़ा बनी हुई हैं। और नवल सर को, आपको, सुधा मैम को, सबको देखकर 2019 की वो याद भी ताज़ा हो गई जब न्यू जर्सी में मैंने अपने कथक की प्रस्तुति दी थी और आपने स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित महाकवि गुलाब खंडेलवाल की जो पुस्तक मुझे कविताओं की दी थी वो मेरी बहुमूल्य निधि है और वो हमेशा हमेशा वो मेरे दिल के करीब रहेगी। तो ये बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बस आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर हमेशा इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि यही मेरे मुझे शक्ति देते हैं और मुझे ऊर्जा का संचार मुझ पर करते हैं। थैंक यू सो मच। और सारी प्यारी सखियों के लिए जो ग्रीन साड़ी में है, मैंने कहा मैं आज ग्रीन साड़ी तो नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि डांस परफॉर्म करना है, तो ये ग्रीन साड़ियों में मेरी सारी सखियां मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं ऐसा मुझे लगता है आज। थैंक यू सो मच।